हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि म्यूचुअल फंड में पैसा आपने लगा रखा है या फिर लगाना चाहना है। इसी के साथ में पैसे को अगर आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं या फिर एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब आपको यहां पर कितना यहां पर टैक्स आपका कटता है और इसी के साथ में जो अदर चार्जेस होते हैं वो आपके कितने चार्जेस कब कब लगते हैं, तो वो चलिए सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की हमें जानकारी नहीं होती है, इसी के साथ में जो हम म्यूचुअल फंड से पैसे की हमें ज़रूरत पड़ जाती है बीच में निकालने की, तब हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि आखिर हमें कितनी कटौती होगी और आखिर हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो चलिए वो सारी बातें हम इस वीडियो में सीख लेते हैं, जो कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड से पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपकी कितनी कितनी कटौती होगी वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया वीडियोस को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। सबसे पहले मैं चलिए आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ जो कि मैंने खुद यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पर लगा रखा है, इतना पैसा मेरा निवेश इसमें किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअली में इस पैसे को अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 15% देना होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप एक साल के लिए यहाँ पर पैसे को निवेश करते हैं तो वो लॉन्ग समय में आ जाता है, ठीक है, यानी कि एक साल से आप बाद में पैसे को निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको 10% का आपको यहाँ पर टैक्स देना होता है, और इसी के साथ में आपको 1,00,000 की एनुअली यानी कि छूट मिलती है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर मान लेते हैं 5,00,000 रुपए आपके हो जाते हैं, ठीक है, अब 5,00,000 में अगर आप एक साल बाद यहाँ पर पैसे को निकालते हैं तो आपको एक साल की यानी कि एक साल आपका पूरा कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पर एक साल के जो 1,00,000 रुपए है वो यहाँ पर निकाल लिया जाएगा, बचा 4,00,000, ठीक है। अब 4,00,000 में जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर आपके 10% के हिसाब से काट लिया जाएगा। मैंने कहने का मतलब है आपको यहाँ पर रुपये मिलेगा लगभग यहाँ पर जो रुपये हो रहा है आपका 4,00,000 यहाँ पर 60,000 रुपये, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 40,000 रुपये है वो आपका चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब वो पैसे से आखिर होता क्या है, जैसे कि सड़कें बनती हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं उनके पास जाता है वो पैसा, तो वो सरकार यहाँ पर खर्च करती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं, कहने का मतलब है आप जब भी पैसे यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है हम पैसे को निवेश कर देते हैं और हमें बीच में ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है जल्दी ही, ठीक है, तो हमें एक साल नहीं हो पाती है और उस पैसे को हम यहाँ पर निकालते हैं, तो इन्होंने सीधे साफ साफ कहा है कि आपको वहाँ पर 15% तक देना होगा, ठीक है, और जो आपकी एक यानी कि 1,00,000 रुपये पर आपकी छूट हो रही थी वो छूट नहीं होगी, ठीक है। सीधा सीधा इनका यही मतलब है, कहने का मतलब 1,00,000 रुपये पर आपका 15,000 कटेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसी के साथ में और जब भी आप पैसे को इसमें निवेश करते हैं, अगर आपने इसमें निवेश कर रखा होगा तो वहाँ पर ये होता है जो भी फंड मैनेजर होता है जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो उसका एक फंड मैनेजर होता है, वो अपनी यहाँ पर फीस तुरंत ही काट लेता है, ठीक है, जैसे ही आप पैसा उसमें निवेश करते हैं तब। तो कहने का मतलब है इसमें आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कम समय के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, कम से कम एक साल के लिए तो करें ही करें, ठीक है, इसमें निवेश। एक साल से पहले आप पैसा यहाँ पर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर भारी जो कि आपको कटौती देनी होती है, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये भी बताते हैं जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं कि आखिर कितने समय में आखिर कितना इन्होंने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। जो कि मेरा यहाँ पर म्यूचुअल फंड है जो कि बता रहा है एक साल में हमने 43,000 रुपये दिया है 1,00,000 पर, ठीक है। अब ऐसे में एक साल में इन्होंने 43,000 रुपये दिया है 1,00,000 पे, तो 10,000 रुपये तो वैसे ही चले जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर 43,000 का तो बचा 33,000, ठीक है। इसी के साथ में जो भी चार्जेस होते हैं फंड मैनेजर, जब भी आप पैसा इसमें निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर काट लेता है, ठीक है, 1,00,000 पे 1,000 देना कितने ऐसी कुछ काटता है, ठीक है, 1% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कटौती होती है, ठीक है, उसके बाद में जो बचता है वो आपका आता है, कहने का मतलब है जो FD करते हैं उससे तो आपका अधिक ही आता है, ठीक है। तो इस बात को आपको टेंशन लेना नहीं है कि आखिर इसमें पैसा कमा लिया है कि प्रॉफिट कितना होगा कि आखिर लॉस कितना होगा,
तो आपका प्रॉफिट इसमें अधिक ही होगा। जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी लॉस में जाएगी, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। कहने का मतलब है उनके पास अगर फंड मैनेजर के पास आपका 10,000 रुपये है तो वो 10,000 रुपये आपका कम से कम 10 कंपनियों में लगेगा, ठीक है। अगर एक कंपनी लॉस में चली जाती है, बाकी की बची 9 कंपनी, तो वो 9 कंपनी में से एक कंपनी जो आपका लॉस हुआ है उससे रिपेयर कर देगी, यानी मतलब बराबर कर देगी, बची 8 कंपनी वो आपका प्रॉफिट करके दे देंगी, ठीक है। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है, ठीक है। वो फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पैसा लगाता है, जैसे कि गोल्ड खरीदना, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, तो वो इन चीज़ों में पैसा लगाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।